बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इन दिस लेक्चर ऑफ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आज हम एचटीएमएल के टेबल्स के बारे में बात करेंगे कि एचटीएमएल के टेबल्स किस तरह से हम बना सकते हैं एचटीएमएल पेज के ऊपर, एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स में इसका क्या कोड होगा और किस तरीके से हम इसे मज़ीद यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिएटिव वर्क के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एचटीएमएल टेबल्स जो हैं बेसिकली ये अलाउ करते हैं वेब डेवलपर्स को टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। जैसे आम टेबल हमें मदद करते हैं कि हम उसके अंदर कोई ना कोई डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, किसी क्लास के अगेंस्ट, किसी भी अदारे के अगेंस्ट, किसी भी तरीके का डाटा हम टेबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है टेबल की, और इसके अंदर डिफरेंट जो है डाटा आप देख सकते हो, जो कंपनी का नाम है वो थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है। मैं आपको अपनी जो वेब पेज हम अभी तक यूज़ कर रहे थे वो शो करवाता हूँ कि उसके अंदर मैंने एक टेबल जो बनाया था उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट जो है वो चीज़ें मैंने ऐड करवाई हैं। ये बेसिकली हम बेसिक सी चीज़ें देख रहे हैं। आप इसको मज़ीद और जो है अपने नॉलेज के हिसाब से इसको जो है और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैंने टेबल जनरेट किया हुआ है जिसकी विड्थ जो है मेरे पूरे ब्राउज़र तक की है, और ये एक बेसिक एचटीएमएल टेबल है। यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर एक इमेज को ऐड करवाया है, वो इस वजह से ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि एक टेबल के अंदर भी हम एक इमेज ऐड करवा सकते हैं और उस इमेज पर भी कोई ना कोई हम लिंक जो है वो लगा सकते हैं। तो ये हमारे नेस्टेड टैग्स कहलाते हैं। तो एक टेबल है यहाँ पे मेरे पास, इसके अंदर डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, इसका बॉर्डर कलर रेड है और इसका बैकग्राउंड कलर पिंक है, आपके पास नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैंने सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इस पर अप्लाई की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल हमने जनरेट किस तरीके से करना है, फिर उसके बाद मैं आपको इसके कोड के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल बनाने के लिए एक टैग है जिसका नाम है टेबल। बहुत सिंपल है, टेबल का टैग यूज़ करके हमने आगे टेबल को जनरेट करना है। अभी एक टेबल का टैग हो गया, फिर उसके बाद ईच रो डिफाइन है टेबल रो, टी आर के टैग से हम टेबल रो को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग को यूज़ करके जो टेबल के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हो कि हेडिंग है, ये जो हेडिंग है लास्ट नेम और एज जो है ये हेडिंग है बेसिकली इसकी। तो हेडिंग के लिए हमारे पास अलग टैग है, और उसके अलावा जो सेल्स के अंदर डाटा होता है उसके लिए हमारे पास अलग टैग है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने टैग हो गए, इसको बोलते हैं टेबल डाटा। ठीक है, सबसे पहले टेबल का टैग, फिर उसके बाद टेबल रो का टैग, फिर उसके बाद टेबल हेडिंग का टैग, फिर उसके बाद टेबल डाटा का टैग। तो ये हमारे पास चार टैग हो गए। ये चार टैग्स को मिला के हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि टेबल रो की तो बात हो रही है लेकिन टेबल कॉलम की बात नहीं हो रही। तो कॉलम इसके अंदर हम जितनी ज़्यादा रोज ऐड करते जाएंगे और उसके अंदर टेबल डाटा के अंदर या टेबल हेडिंग जो हमने प्री डिफाइंड हेडिंग बता दी है उसके हिसाब से कॉलम्स क्रिएट हो गए। सपोज करो, चलो कोड देखते हैं इसके पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इन टी एच, टेबल हेडिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड और सेंटर्ड में होता है उस सेल के। लेकिन जो है टेबल डाटा के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो रेगुलर होगी और लेफ्ट अलाइंड होगी। ये इसका कोड है, इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप कोड में देख सकते हो कि बेसिक एचटीएमएल टेबल लिखा हुआ है, उसके बाद टेबल की विड्थ मैं यहां से ख़त्म कर देता हूं ताकि आपको पहले पता चले कि टेबल जो बेसिक जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल बनता है वो किस तरह का होता है। तो यहां पर हमने ये टेबल का एक टैग लगाया सबसे बड़ा, इसके अंदर सारे टैग लगाएंगे हम। टेबल का टैग लगाने के बाद हम टेबल रो स्टार्ट करेंगे। टेबल रो डिफाइंस के ये पहली रो है, फर्स्ट नेम जहाँ पर लिखा है ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर टेबल हेडिंग की बात कर रहे हैं हम। मतलब कि ये जो भी चीज़ इसमें लिखी जाएगी वो टेबल की हेडिंग होगी और पहली रो होगी। तो रोज़ हम बनाते जाएंगे उसी के हिसाब से कॉलम्स बनते जाएंगे। जितने हम टी एच लिखेंगे इसके अंदर उतने
जो है वो कॉलम्स बनते जाएंगे। एज के आगे मैं मोबाइल नंबर या इस तरीके का कोई और एक कॉलम बना लेता हूँ, और इसको हमने टैग को ओपन भी करना है और टैग को यहाँ पर क्लोज भी करेंगे, एंड भी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और हमारे पास कॉलम क्रिएट हो चुका है जो कि पहली रो के अंदर ही है। तो इस तरीके से हम कॉलम्स जो हैं टेबल रो के अंदर जितना टेबल डाटा या टेबल हेडिंग ऐड करते जाएंगे उतने कॉलम्स हमारे पास बनते जाएंगे। और टेबल रो जो है वो एक टेबल रो का ये कोड है, ये एक हमारे पास पहली रो है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक रो का डाटा है। तो एक रो का डाटा सारा एक रो में ही लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रो के अंदर ही लिखा गया है। ये जो TR है ये TR2 है, मतलब कि इसमें जो डाटा आएगा वो ये यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा हमें इसके नीचे। तो ये हमें खुद याद करना पड़ता है कि फर्स्ट नेम या फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या थी, हम उसके हिसाब से इसको पहला डाटा देंगे, फिर लास्ट नेम के हिसाब से सेकंड में इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पर जो है इसके नीचे हमें शो होता रहेगा। इस तरीके से ये सारे सेल्स जो हैं वो भरते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल रो को फिर से यूज़ करके उसके अंदर टेबल डाटा, अब पहले हमने टेबल हेडिंग दी थी क्योंकि एक टेबल में एक ही हेडिंग होती हैं, एक जगह में एक ही रो में हेडिंग होती है बेसिकली, तो इस वजह से इसको हमने TH लिखा है। उसके अलावा बाकी सारा जो है वो सिंपल डाटा है, तो इस वजह से इसको TDT टेबल डाटा के टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है। इस टैग के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ हमें यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने चार टेबल की रोज़ बनाई और तीन उसके कॉलम, लेकिन यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर जो ऐड किया है उसको हम इसी तरीके से ऐड करवा सकते हैं हर कॉलम के अंदर, लेकिन उसके लिए हमें TD लिखना पड़ेगा और टैग को क्लोज़ करना पड़ेगा, एंड टैग करना पड़ेगा, और इसके अंदर कोई भी आप लिख सकते हो 03 और कोई भी नंबर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमने फोर्थ नंबर पे टेबल का डाटा ऐड किया था वो फोर्थ नंबर की टेबल की हेडिंग के नीचे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ये रो 2 की बात थी, अब इसी तरीके से रो 3 और रो 4 में भी ऐड करते हैं। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने डिस्प्ले करवाया। तो आप देख सकते हो कि फोर्थ रो में जो भी चीज़ मैं फोर्थ रो में फोर्थ टेबल डाटा में मैंने जो भी चीज़ ऐड करवाई वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले में आ गई। अब यहाँ पर आपको ये लाइंस क्यों नहीं शो हो रही, बेसिकली वो इस वजह से क्योंकि हमने इसका बॉर्डर नहीं असाइन किया इसको। तो बॉर्डर देने के लिए इसकी एक स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर। तो अगर मैं बॉर्डर इसको देता हूँ 2 pixels और सॉलिड, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, अगर मैं कलर इसको नहीं भी देता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर इसको असाइन करेगा। सॉरी, ये मैंने जो कॉलम्स थे उन्हें क्लोज नहीं किया। ये अब आप देख सकते हो कि इस टेबल के बाहर वाली साइड पे मेरे पास बॉर्डर शो हो रहा है। अब हमारे पास जो बेसिक टेबल है या ये बैकएंड पे भी आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऐसे सारे कॉलम अलग अलग हैं जैसे हमारे पास आम टेबल होता है। उसके अंदर अगर हमने यही चीज़ ऐड करनी हो और उसका भी बॉर्डर हमने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल हेडिंग के अंदर, क्योंकि रो जो है बेसिकली वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं, वो बेसिकली बता रही है कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो का डाटा है, ये फोर्थ रो का डाटा है, लेकिन वो कहीं पे भी हमारे ब्राउज़र के अंदर फिज़िकली अपीयर नहीं हो रही। जो भी चीज़ अपीयर हो रही है वो टेबल हेडिंग या टेबल डाटा है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल ऐड कर रहा हूँ और ये बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं सपोज करूँ कि सभी सेल्स के अंदर उसका बॉर्डर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया सेम कोड। तो आप देख सकते हो कि इस सेल के अंदर जो डाटा था उसके अगेंस्ट जो बॉर्डर लगना था वो लग चुका है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं सबके अंदर बॉर्डर ऐड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यही लाइन ऑफ कोड सभी टेबल डाटा के अंदर पेस्ट करनी पड़ेगी ताकि मुझे बॉर्डर नज़र आए। अब इस चीज़ को एनकाउंटर हम किस तरह से कर सकते हैं, सॉल्व किस तरह से करते हैं कि
हमने पढ़ा था कि CSS की हम फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे, वो तमाम जो चाइल्ड चीज़ें होंगी वो उन पे अप्लाई हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टाइल का हमने हेड के अंदर इंटरनल CSS थी उसको अप्लाई किया है। यहाँ पर टेबल पे मैं ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, टेबल हेडिंग पे ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ और टेबल डाटा पे। तो डिफरेंट टैग्स हम एक ही दफ़ा लिख के उस पर वो चीज़ अप्लाई करवा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये देख सकते हो कि टेबल का टैग है, ये टेबल है हमारे पास, टेबल हेडिंग ये टेबल हेडिंग है, टेबल डाटा ये जो हमारे पास जो नीचे डाटा लिखा हुआ आएगा वो टेबल डाटा है। तो इसको हमने रन करवाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सभी के बाहर जो है वो बॉर्डर लग चुका है, टेबल के बाहर भी बॉर्डर लग गया है और तमाम जो फील्ड्स हैं इसकी उन पे भी बॉर्डर लग चुका है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मर्ज फॉर्म में नहीं है बल्कि अलग अलग है। टेबल का जो बॉर्डर है वो सबका अलग है, टेबल का अलग बॉर्डर है, हर सेल का अलग अलग बॉर्डर हमें नज़र आ रहा है। उसके लिए हमारे पास एक और टैग होता है, एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, बॉर्डर कोलैप्स की। तो वो बॉर्डर कोलैप्स अगर हमने करने हो तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहली एग्ज़ाम्पल थी मैं उस पर जो है कोलैप्स करूँगा, ये वाली एग्ज़ाम्पल जो अभी हम देख के आए हैं। तो इसका कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर अगर तो बिल्कुल लगा हुआ है तो यहाँ से हम ये आप देख सकते हो बॉर्डर कोलैप्स लिखा हुआ है और आगे उसको वैल्यू भी कोलैप्स की दी गई है ताकि जो बॉर्डर हैं वो आपस में कोलैप्स हो जाएं, इस तरीके से हमें अलग अलग बॉर्डर डबल डबल चीज़ें ना नज़र आएँ। इसके लिए हम बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसको वैल्यू भी कोलैप्स देंगे और ये आप देख सकते हो कि हमारा जो डबल बॉर्डर था, जो टेबल का अलग बॉर्डर था, सेल्स का अलग बॉर्डर था, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, एक टेबल की फॉर्म में ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। अब इसकी विड्थ यहाँ पे 100% दी गई है, 100% का मतलब है कि जितना हमारे पास जो ब्राउज़र की विड्थ है उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा 100% उसकी टेबल की विड्थ को। तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टेबल के अगेंस्ट जो है चीज़ें वो मैनेज हो चुकी हैं और यहाँ पर इसको बॉर्डर मिल चुका है और बहुत इजी वे में समझ आने वाली चीज़ है। उसके बाद बात करेंगे, हमने पैडिंग और मार्जिन के बारे में बात की थी पहले भी, तो यहाँ पर फिर से बात करेंगे पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग बेसिकली, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, पैडिंग का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसे पिक्सल्स देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया और इसी एग्ज़ाम्पल में है मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा। इसको हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एक टैग को हमने पहले यूज़ किया है तो पैडिंग रन करके देखते हैं। ये देखो पैडिंग में क्या हुआ है, जो हमारा कंटेंट है सेल्स के दरमियान में, उसके दरमियान में स्पेस ऐड हो गई है, बॉर्डर से कंटेंट के दरमियान में स्पेस आ चुकी है। अगर हमने पैडिंग अप्लाई नहीं की थी, इसको मैं कंट्रोल जी करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो कि ये सारा जुड़ा हुआ है आपस में। लेकिन क्या है कि अगर हम इसके अंदर पैडिंग ऐड करवाएंगे तो उससे हमारा जो टेबल है वो ज़रा अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मार्जिन भी ऐड करवाते हैं तो मार्जिन भी इस टेबल का मार्जिन होगा और बाहर वाले कंटेंट से वो स्पेसिंग ऐड करेगा। इसकी एग्जांपल ही मैंने अपने पेज में रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है इस पे मैंने एक लिंक लगाया हुआ है। इस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं पिक्चर भी नज़र आ रही थी और पिक्चर के बैकएंड पे लिंक लगा हुआ था और ये लिंक है ये पैडिंग का और मार्जिन समझाने का। कंटेंट हमारा जैसे फर्स्ट नेम लिखा था या लास्ट नेम लिखा था, जो भी चीज़ हम सेल के अंदर लिखते हैं वो हमारा कंटेंट होता है। बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो चीज़ आती है, जो स्पेस आती है, वो हम पैडिंग के थ्रू ऐड करवा सकते हैं। जो बॉर्डर के बाहर स्पेस हम ऐड करवाना चाहते हैं वो मार्जिन के थ्रू हम करवाएंगे। तो ये है पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस और इनका यूज़। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि टेबल जो है वो हमारा लेफ्ट अलाइन हेडिंग हो, क्योंकि हेडिंग हमने देखा था कि सेंटर अलाइन होती है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे और उसको
वैल्यू दे देंगे लेफ्ट की। फिर उसके बाद बात करेंगे हम बॉर्डर स्पेसिंग की। सेम इसका भी काम उसी तरीके का है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको अलग से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर इसको कॉलम जो सेल्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं सेल के और टेबल का जो बॉर्डर है उसको आपस में मर्ज नहीं किया हुआ, वो इस वजह से ताकि आपको ये जो एग्जांपल है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग दी गई है 15 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर बॉर्डर स्पेसिंग का भी वही काम है जो पैडिंग का काम है, लेकिन इनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो थोड़ा बहुत चेंज है वही आपको नज़र आएगा। यहाँ मैंने पैडिंग लिखा है अब, और उसको भी 15 पिक्सल ही वैल्यू दी गई है। अब आपने चेक करना है कि ये हमारे रिज़ल्ट में क्या डिफ़र करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेल्स हैं आपस में उनका जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो चुका है। जो पैडिंग है बेसिकली जो हमारा कॉन्टेंट है टेबल के दरमियान में और टेबल का जो बॉर्डर है उसमें उसने चेंज कर दिया है टेबल के बॉर्डर में। तो अगर यहाँ पर हम बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करेंगे तो वो हर बॉर्डर एक दूसरे बॉर्डर से डिफ़र करेगा, और उसमें जो हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया है स्पेसिंग, हर बॉर्डर दूसरे बॉर्डर से 15 पिक्सल तक दूर रहेगा। तो पैडिंग भी यहाँ पर ऊपर दी गई है। अगर मैं इसको 5 पिक्सल कर लूँ बॉर्डर स्पेसिंग, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है फ़र्क जो है वो कम हो गया है। एक तो 5 पिक्सल जो पैडिंग है वो यूज़ हो रही है बॉर्डर लास्ट वाले बॉर्डर की, और बॉर्डर स्पेसिंग जो है सारे बॉर्डर्स की आपस में यूज़ हो रही है। तो ये थोड़ी टेक्निक्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अगर आप बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करना चाहते हो आप बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करो, ज़्यादातर पैडिंग यूज़ होती है आप पैडिंग की प्रैक्टिस करो। जिस चीज़ की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेल दैट स्पैन मैनी कॉलम्स, कॉल स्पैन की। ऐसा सेल जिसके अंदर दो कॉलम्स मर्ज हुए हों, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम। एक सेल जो जिसके पास एक से ज़्यादा कॉलम में वो मर्ज हुआ हो, जैसे हमारे पास कोई बड़ी चीज़ होती है तो वो हम दो कॉलम्स को मर्ज करके दो सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, तो इसमें हम टेबल में दो सेल्स को भी मर्ज कर सकते हैं, यूज़ कॉल स्पैन। अगर कॉलम को स्पैन करना है, हमने मिलाना है मर्ज करना है, तो कॉल स्पैन का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, और टेबल हेडिंग जहाँ पर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर इसको कर सकते हैं। ये बेसिकली सेकेंड है, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो TR1 है, TR1 यहाँ पर आप कोड के अंदर देख सकते हो TR1 है, पहले के अंदर नेम लिखा है, फिर उसके बाद कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने डायरेक्ट टेबल के इस टैग के अंदर, टेबल हेडिंग के टैग के अंदर। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू अगर हम 3 करेंगे तो वो 3 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर देगा। यहाँ पर 2 कॉलम्स किए हुए मर्ज, तो इस वजह से कम अज़ कम हम 2 कॉलम्स आपस में, 2 सेल्स मर्ज कर सकते हैं। फिर उसके अंदर कोई भी हम वैल्यू जो लिखवाना चाहते हैं वो लिख देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो है थर्ड TR नहीं लिखा, क्योंकि ये 3 पे मुश्तमिल है, तो अगर मैं तीसरा लिखता हूँ तो देखते हैं कि ये कहाँ पे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़ोन, या जो भी कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसमें डिफर चेक करवाने के लिए है। ये क्लोजिंग टैग एंडिंग टैग मैंने ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने दो कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दिया है पहले से ही। जब मैंने थर्ड वाली वैल्यू ऐड की तो वो फोर्थ वाली वैल्यू बेसिकली बन गई यहाँ पर। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है कि हम दो कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं, दो रोज़ को भी हम मर्ज कर सकते हैं। वो किस तरीके से, सेल दैट स्पैन मैनी रोज, इसके लिए हमें कोड यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। ये बेसिकली एट्रीब्यूट है HTML टैग का, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको ट्राई करते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस साइड पे जो मेरे पास दो सेल्स बन रहे थे उनको मैंने मर्ज कर दिया है, इस रो के दो सेल्स को आपस में मर्ज किया है। रो के जब दो सेल्स को मर्ज करना है तब मुझे रो स्पैन यूज़ करना पड़ेगा, जब कॉलन के दो सेल्स को मर्ज करना है तब मुझे कॉल स्पैन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज करो कि हम बिल गेट्स नहीं शो करना चाहते, तो मैं नाम को अगर
मर्ज करूं यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ख़त्म कर दूंगा मैं यहाँ से, ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ ना बने। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल स्पैन, ठीक है, इसको मैं वैल्यू दे दूँगा 2 की, क्योंकि कम से कम हम दो को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाम का ये सारा कॉलन बन चुका है, और ये दो रोज़ को मिला के एक टेलीफोन का एक जो है सेल बन चुका है। तो इस तरीके से हम दो सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, चाहे वो कॉलन के हों चाहे वो रोज़ के हों। नेक्स्ट है ऐड अ कैप्शन। अगर आप कैप्शन देना चाहते हैं अपने टेबल को, तो उसके लिए एक टैग है हमारे पास टेबल के, टेबल का, जब हमने टेबल डिफाइन कर देना है कि टेबल यूज़ करने लगे हैं हम, ये सारे एट्रीब्यूट्स या टैग्स टेबल्स के हैं, तो उसके फौरन बाद हमने लिखना है कैप्शन। जब कैप्शन का टैग हम यूज़ करेंगे, तो वो टेबल के दरमियान में, वो टेबल के बारे में कोई ना कोई चीज़ बता रहा होगा हमें। जैसे हम किसी भी चीज़ का, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का टेबल बनाते हैं तो हम उसको कैप्शन देते हैं, जैसे फ़ोटोज़ को कैप्शन देते हैं, इसी तरह टेबल्स को भी हम कैप्शन दे सकते हैं कैप्शन के टैग के थ्रू। फिर उसके बाद है स्पेशल स्टाइल। अगर हमने एक टेबल पे इंप्लीमेंट करना हो, अभी ये आईडी यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आईडी और क्लासेस क्या होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, और इस पर हम डिटेल नोट पे बात करेंगे। तो आईडी पे बेसिकली छोटी सी हम यहाँ पर एक टॉक कर लेते हैं, छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आईडीज़ बेसिकली होती हैं जब हमने आइडेंटिफाई करना हो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, डिफ्रेंशिएट करना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट चीज़ में, अगर स्टाइल में हम किसी भी चीज़ में पेरेंट चीज़ में चेंज करेंगे, सारे टेबल में, अगर मेरे पास 3 टेबल हैं और मैंने पेरेंट के एक टेबल में चेंज किया है, तो वो हर जगह वहाँ पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टाइल के अंदर टेबल के ऊपर मैंने ये चीज़ें अप्लाई की, अब जितने भी मेरे पास टेबल के टैग हैं उस पर ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, जितने मेरे पास टेबल हेडिंग है उस पर ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो टेबल हैं, उनमें से मैं एक का बैकग्राउंड कलर, सिर्फ एक का ही बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, उसके लिए मुझे उसको स्पेशल आईडी देनी पड़ेगी। तो आईडी देने के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग, फिर उस आईडी का हम स्पेशल जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि उस टेबल के अंदर जाके आईडी का कीवर्ड लिख के, आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करके हमने उसको कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई आईडी दे देनी है। जैसे आप समझ लो कि C++ के अंदर कोई स्पेशल हम प्रोग्राम लिखते थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते थे। ऊप की अगर मैं बात करूं, तो ऊप के अंदर ये सपोज करो कि उसका ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर वो चीज़ फंक्शन उसका परफॉर्म कर रहे हैं। जब यहाँ से वो फंक्शन कॉल होगा, ये बेसिकली फंक्शन का नाम है, ये उसके सपोज कर लो कोई उसका, ये फंक्शन सॉरी कीवर्ड है, ये आईडी का कीवर्ड है जो हमने आईडी लिखना ही लिखना है। आगे उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, T01 दी गई है, यहाँ पर 1 दे दूंगा मैं, तो अगर यहाँ पर 1 मैंने की है, तो मुझे जो इसकी स्पेशल मैंने फॉर्मेट इसका डिफ़ाइन किया, वहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आईडीज़ को यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये आईडी है, इसको T1 कर दिया, तो ये आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर, बेसिक जो चेंज पहले से था वही चेंज है। तो इस तरीके से जो नाम मैंने टेबल को रखा होगा, जो आईडी का नाम होता है बेसिकली, यहाँ उसे ये नहीं पता कि ये टेबल है या क्या चीज़ है, उसने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इसे आईडी से, कि ये आईडी है, इस पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दो। वो इसको यहाँ से जो ब्राउज़र है वो रीड करेगा कि ये आईडी किसी टेबल की है और इस पे ये डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना है। इसमें इसने क्या है किया है, इसको स्पेशल जो चीज़ असाइन किया है वो कलर एक असाइन किया हुआ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई कलर, और किसी कलर का नाम, जैसे पाउडर ब्लू, सॉरी पाउडर ब्लू, तो ये इसके अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ अभी, तो पाउडर ब्लू मे बी के इसमें जो है, सॉरी ये आर का,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। हमने अगर इसकी विड्थ यहाँ से चेंज करना चाहें, सिर्फ़ एक ही टेबल की विड्थ अगर 10% मैं कर दूँ, तो ये आप देख सकते हो कि वो जो डिफ़ॉल्ट है जहाँ तक वो जा सकता है, जहाँ तक वो जैसे मर्ज हो सकता है वहाँ तक वो हो चुका है। तो इस तरीके से अगर स्पेशल हमने किसी चीज़ पे, अगर दो हमारे पास टेबल हैं या तीन टेबल हैं, चार टेबल हैं, हेडिंग्स भी ज़्यादा हैं, तो अगर स्पेशल मैं चाहता हूँ कि जो सबसे टॉप वाली हेडिंग है उसका ही फॉर्मेट चेंज हो, तो उसके लिए मुझे उसमें आईडी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। जब मैं आईडी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा तो आईडी, उस आईडी में मैं कोई भी फॉर्मेट लिखूंगा, वो सिर्फ उस स्पेशलाइज आईडी, यूनिक आईडी पे ही वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी। तो ये थी हमारी आज के टॉपिक की डिस्कशन जो हमने आज की। आज हमने टेबल देखा, TR TD, टेबल डाटा, टेबल हेडिंग क्या होती है, कैप्शन टेबल का किस तरह से लगाते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स को हमने यूज़ किया, पैडिंग को यूज़ किया, टेक्स्ट लाइन, बॉर्डर स्पेसिंग, कॉल स्पैन और को रो स्पैन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये आपको पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपको वो एक टेबल बना हुआ आ जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इंप्लीमेंट की गई होंगी, आपने उसको ब्राउज़र की वो एक तस्वीर होगी, आपने उसको देख के जज करना है कि इस पे क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं। उसमें पैडिंग और मार्जिन भी अप्लाई किया गया होगा और उसके अंदर कॉल स्पैन भी यूज़ होगा, रो स्पैन भी यूज़ होगा, तो इस तरीके से आपने उसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।